दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। नरबलि प्राचीन विश्व की हर सभ्यता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। हालांकि नरबलि देने के कारण अलग अलग होते थे। कहीं नरबलि धर्म के नाम पर दी जाती थी तो कहीं सम्मान के नाम पर, कहीं पुरुषों की बलि दी जाती थी तो कहीं महिलाओं की और बच्चों की। सभी प्राचीन समुदायों में ऑस्टेक समुदाय में बलि देने के सबसे क्रूर तरीके थे, जैसे कि जिंदा इंसान का दिल निकालकर सूर्य देवता को अर्पित करना, देवताओं को जिंदा बच्चों और महिलाओं की चमड़ी उतारकर अर्पित करना। आइए आज इस वीडियो में हम आपको रूबरू करवाते हैं कुछ ऐसे ही बलि देने के विचित्र तरीकों से, जिन्हें जानकर आपका दिल दहल जाएगा। फोनीशियन और कार्थेजिनियन सभ्यता के लोग धर्म के अनुसार अपने बच्चों की बलि देते थे। ये उस समय बलि देने का सबसे क्रूर तरीका माना जाता था और अपने समाज को बचाने का सबसे अच्छा तरीका भी। बलि देने की जगह को टॉफेथ यानी भूनने की जगह के नाम से जाना जाता था और बलियों के रूप में दिया जाने वाला ये प्रसाद मुल्क कहा जाता था। कार्थेजिनियन सभ्यता की डायोडोरस सेक्युलस मान्यता के अनुसार वहाँ उनके शहर में कोरोनस की एक कांस की मूर्ति थी, जिसने अपने हाथ आगे की ओर फैलाए हुए थे और वह एक ढलान पर स्थित थी। जैसे ही किसी बच्चे को उसमें रखा जाता तो वह बच्चा लुढ़क कर एक गड्ढे जैसी और आग से भरी हुई जगह में गिर जाता था। जापान में एक रिवाज बहुत ही लंबे समय तक चला था, जिसे सेपोकू कहा जाता था। ये एक ऐसी आत्महत्या होती थी जिसमें एक योद्धा को खुद को काटना होता था। इस परंपरा को निभाने के बहुत सारे कारण हुआ करते थे, जैसे किसी व्यक्ति का सम्मान खो देना। इसमें एक समुराई को नहला धुलाकर सफेद कपड़ों में तैयार किया जाता था। इसके बाद उसे उसका मनपसंद खाना खिलाया जाता और उसके हथियार जैसे कि एक खास चाकू या एक छोटी तलवार उसके पास रख दी जाती थी। इसके बाद योद्धा अपनी मौत की कविता बनाता था। जब वह ये सब कर लेता था तो अपने कपड़े उतारता और हथियार उठाकर अपनी आंतें काट कर निकाल देता था। इसके बाद वह कैशाकुनिन नाम का एक दूसरा हथियार उठाता और अपनी गर्दन काट कर अपनी जिंदगी खत्म कर देता था। ये प्रथा फिजी आइलैंड्स में निभाई जाती थी, जिसके मुताबिक जब भी कोई महिला विधवा होती तो उसी समय उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी जाती थी, जिसके बाद उसके शरीर को उसके पति के साथ दफना दिया जाता था। महान मुखियाओं के मामले में उनकी सभी छोटी पत्नियों को गला दबाकर मार दिया जाता था। ये महिलाएं कब्र में कारपेट की तरह बिछाई जाती थी। सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात यह थी कि महिला का भाई खुद उसका गला दबाता था। ऑस्टेक समुदाय अपने बहुत सारी बलि देने के रिवाजों के कारण कुख्यात था। इनमें से एक था जिंदा इंसान का दिल निकालकर हुइट्ज़िलो पोचली नाम के सूर्य देवता को अर्पित करना। हालांकि ऑस्टेक समुदाय में कुछ अनेक प्रकार की बलि भी दी जाती थी, जैसे एक व्यक्ति को टेला लोग सीपे टोटेक नामक भगवान और धरती माँ टेटोइन को प्रसाद के रूप में दिया जाता था। टेला लोग देवता को प्रसाद देने के लिए एक रोते हुए बच्चे की चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। सीपेटोटेक के प्रसाद के लिए इंसान को एक खंभे से बांधकर उसके पूरे शरीर को तीरों से छलनी कर दिया जाता था। फिर पुजारी द्वारा उस इंसान की चमड़ी उधेड़ी जाती थी तो वहीं धरती माँ टेटोइनन को प्रसाद के रूप में एक महिला की उधड़ी चमड़ी की जरूरत होती थी। इन सभी में एक चीज समान होती थी कि इस दौरान अनगिनत लोगों को बलि के लिए चुन लिया जाता था।
रोमन सभ्यता से पहले कई ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जिसमें सेल्टिक ड्रुइड्स के द्वारा लोगों की बलि दी जाती थी, जिनमें से एक बलि में मालिक की मौत के साथ उसके नौकर जाकर और वह सभी लोग जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं उन्हें भी जिंदा जला दिया जाता था। वहीं दूसरी तरह की बलि में फांसी होती थी जो भगवान ईसस के लिए थी। तीसरी थी पानी में डुबाकर मारना जो भगवान टूथेट्स के लिए दी जाती थी। लेकिन ड्रुइड्स द्वारा बलि का तरीका सबसे ज्यादा प्रयोग में आता था और वह था वाइकर मैन, जिसमें लकड़ियों से बड़े आदमी के आकार का ढांचा बनाया जाता था और फिर उसमें जिंदा इंसान को बैठाकर उसे जिंदा जला दिया जाता था। यूं तो पुराने समय में चीन में बलि प्राचीन देवताओं को खुश करने के लिए दी जाती थी, लेकिन इमारतों को मजबूती देने के लिए बलि का चलन ज्यादा हुआ करता था। इसका एक बहुत ही लोकप्रिय उदाहरण पी साई के राजकुमार की बलि थी जो एक युद्ध के दौरान पकड़े गए थे। इस युद्ध में उनके पूरे साम्राज्य का नाश हो चुका था, इसलिए उसकी बलि एक डैम को मजबूत बनाने के लिए दी गई थी। माया सभ्यता के लोग एक दैवीय शक्ति में विश्वास रखते थे जो उनके अनुसार चूना पत्थर के बीच बनी खाई की गहराई में मौजूद थी। इस खाई को वे लोग सिनोट कहते थे। उनका मानना था कि इसमें पाताल लोक का प्रवेश द्वार है जो उनके अपने लोगों को वहां पहुंचाता है। माना जाता था कि इस सिनोट में जिसे भी फेंका जाएगा वह बिल्कुल नहीं मरेगा। ठगीस नाम से मशहूर ठग भारत में कट्टर धार्मिक समूह था। यह समूह कर्मकांडों द्वारा काली माता को प्रसन्न करने के लिए हत्याओं के लिए कुख्यात था। ये हत्यारे बंजारों की तरह भारत वर्ष में सैकड़ों सालों तक घूमते रहे। ये ना कोई सबूत छोड़ते थे और ना ही इनकी पहचान संभव थी। जो उनसे पहली बार मिलता था वह उनके बारे में जानने वाला आखिरी व्यक्ति होता था। बलि के लिए ये राहगीरों के साथ दोस्ती करते और रात में मौका मिलते ही पीले रुमाल या फंदे से उनका गला घोंट देते थे, जिसके बाद उनकी लाशों को उनके घर से कहीं दूर दफना दिया जाता था। प्राचीन काल में मिस्र के राजा को फेरौन कहा जाता था। जब फेरौन मरता था तो उसे उसके जिंदा नौकरों के साथ जमीन में दफना दिया जाता था। ऐसा माना जाता था कि ये सारे नौकर राजा के मरने के बाद उसकी सेवा करेंगे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का ये भी मानना है कि जब नौकरों को दफनाया जाता था तब उन्हें कोई दवा दी जाती थी जिससे वे अपने ऊपर नियंत्रण खो देते थे। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।